हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शेड विद स्मार्टनेस। आप सभी लोग को बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी लोग को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करता हूं कि आपका जो 2021 होगा बहुत ही अच्छा बीतेगा। ठीक है, तो दोस्तों आज हम जो बात करने वाले हैं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, भारत की जो 38 विश्व विरासत स्थल हैं उनको यूनेस्को के अंतर्गत शामिल किया गया है। तो आज हम देखेंगे वह कौन से 38 साइट हैं जिनको भी यूनेस्को में शामिल किया गया है। सबसे पहले हम उनको क्रमवाइज कि किस ईयर में कौन सी साइट को शामिल किया गया है वह देखेंगे। उसके बाद हम जो देखेंगे कि कौन से राज्य में कौन सी धरोहर है जो कि वहां पे शामिल है। ठीक है दोस्तों, जो आपकी 38 साइट है उनमें से जो आपके 30 हैं वह आपके सांस्कृतिक हैं, 7 आपके प्राकृतिक हैं और 1 आपका जो है वह मिक्स्ड है। यानी कि जो आपके 30 हैं वह कल्चरल हैं और जो आपके 7 है आपके नेचुरल साइट हैं और जो आपका 1 है वह आपका मिक्स साइट हैं। तो दोस्तों हम सबसे पहले देखते हैं कि जो सबसे पहली शामिल की गई थी वह आपकी 1983 में शामिल की गई थी और जो लास्ट आपकी शामिल हुई है वह आपकी 2019 में है। सबसे पहले जो आपका शामिल किया गया था आगरा का किला शामिल किया गया था 1983 में। 1983 में 2 साइटों को शामिल किया गया था है, और उसके बाद जो आपके 2019 में 1 शामिल किया गया है। तो दोस्तों सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे 1983 से और आपका जो लास्ट में 2019 तक इसके बीच में जितनी भी शामिल किए गए हैं हम सबको देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जो आपका यूनेस्को का थोड़ा सा कुछ बेसिक के जो इन्फॉर्मेशन है वो ले लेते हैं, उसके बाद हम उनकी जितनी भी साइट्स हैं उनके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो यूनेस्को का जो आपका फुल फॉर्म आपसे पूछा जाता है कई बार, तो याद रखिएगा यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसकी यदि स्थापना की बात करें तो 4 नवंबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। वर्तमान में इसके जो हेड या फिर प्रमुख हैं उनका नाम है आद्रे अजोले। जो आपके आद्रे अजोले हैं वह यूनेस्को के वर्तमान में हेड हैं। और दोस्तों यदि यूनेस्को की जो आपकी स्थापना की बात करें, स्थापना 4 नवंबर 1945 को हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वह आपका पेरिस फ्रांस में है। जो पेरिस है आपका फ्रांस की कैपिटल है। ठीक है, तो याद रखिएगा। और जो पेरिस है आपका सीन नदी के किनारे स्थित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। चलिए अब बात करते हैं हम 1983 की। तो 1983 में सबसे पहले जो यूनेस्को में शामिल हुआ था जो स्थान था वह हमारा आगरा का किला था जो कि उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद 1983 में ही जो आपके हैं 4 साइट हैं जिनको शामिल किया गया था। सबसे पहली साइट आपकी आगरा का किला है, दूसरा आपका अजंता की गुफाएं, तीसरा आपका ताजमहल है और चौथा आपका एलोरा की गुफाएं हैं। ठीक है, जो आपके 4 साइट हैं इनको याद रखिएगा, 1983 में 4 शामिल हुए थे। फिर इसे रिवाइज करते हैं, आगरा किला उत्तर प्रदेश, अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र, फिर आपका ताजमहल जो आपका उत्तर प्रदेश, उसके बाद जो आपका एलोरा की गुफाएं हैं वह आपका महाराष्ट्र है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ईयर में जाते हैं तो 1984 में 2 साइट को शामिल किया गया है। एक आपका कोणार्क सूर्य मंदिर है जो कि उड़ीसा में है, सभी को पता है। नेक्स्ट आपको जो शामिल किया गया है महाबलीपुरम के स्मारक समूह, ये आपका तमिलनाडु में है यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपका शामिल किया गया है 1984 में 2 साइट हो गई। एक आपके कोणार्क सूर्य मंदिर हो गया, दूसरा आपका महाबलीपुरम के स्मारक समूह हो गए। नेक्स्ट आपका जो वर्ष है 1985 है, 1985 में 3 जो स्थान उनको शामिल किया गया है। एक आपका है केवलादेव नेशनल पार्क। ठीक है, जो आपका केवलादेव नेशनल पार्क है जिसको हम घाना राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जानते हैं, तो ये आपका राजस्थान में है, इसको शामिल किया गया था 1985 में। उसके बाद जो नेक्स्ट शामिल हुआ है वह आपका काजीरंगा नेशनल पार्क और आपका मानस नेशनल पार्क। ये दोनों ही जो साइट आपके शामिल हुए हैं वह असम से संबंधित हैं और दोनों को 1985 में शामिल किया गया था। ठीक है, तो कब 1985 में 3 हो गए, एक आपके केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा आपका है मानस नेशनल पार्क, जो कि अब तीनों जो 2 आपके असम से संबंधित है और 1 आपका राजस्थान से है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 1986 के। तो 1986 में आपकी जो शामिल हुए 4 साइट को शामिल किया गया है। एक आपका है हम्पी के, ठीक है, जो आपका हम्पी है वह कर्नाटक में स्थित है। दूसरा आपका है फतेहपुर सीकरी, जो फतेहपुर सीकरी आपका उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद जो नेक्स्ट शामिल हुआ है खजुराहो हुआ है, वो आपका खजुराहो मध्य प्रदेश में है। खजुराहो का जो मंदिर का निर्माण किसने करवाया था बहुत बार पूछा गया है, तो चंदेल शासकों ने इसका निर्माण करवाया था। नेक्स्ट आपको 1986 से है गोवा के चर्च। ठीक है, तो जो आपका गोवा के चर्च है वो गोवा में ही स्थित है। तो हमने पढ़ा 1986 में 4 साइट पढ़ी, एक आपका हम्पी है जो कर्नाटक में है, नेक्स्ट हमने पढ़ी फतेहपुर सीकरी जो आपका उत्तर प्रदेश में है, खजुराहो हमने पढ़ा जो मध्य प्रदेश में है, जो आपका हमने पढ़ा गोवा वो आपका गोवा में स्थित गोवा के चर्च हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं 1987 में। तो 1987 में भी 4 साइट को शामिल किया गया है। एक आपका है सुंदरवन,
जो कि आपका सुंदरवन नेशनल पार्क आपका जो है पश्चिम बंगाल में है। उसके बाद जो आपका एलिफेंटा की गुफाएं हैं, जो आपका एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में है। नेक्स्ट आपका जो है पदकल के जो स्मारक समूह है, पदकल के स्मारक समूह जो आपका है वह आपके कर्नाटक से संबंधित है, ठीक है, कर्नाटक से संबंधित है। नेक्स्ट आपका चोल मंदिर है, जो चोल मंदिर है वह आपके तमिलनाडु वाले क्षेत्र से संबंधित है। तो 1987 हमने चार पढ़े, एक आपका सुंदरवन नेशनल पार्क जो कि पश्चिम बंगाल में है, एलिफेंटा गुफाएं जो कि आपका महाराष्ट्र में है, पदकल के स्मारक समूह जो कि कर्नाटक में है, और आपका चोल मंदिर जो है वह आपका है तमिलनाडु में है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 1988 के बारे में। तो दोस्तों 1988 में एक शामिल हुआ था, वह आपका था नंदा देवी। आप लोग उत्तराखंड के सिर्फ एक ही दो साइट शामिल है जिनको आप लोग याद रखेगा, जो आपका नंदा देवी है वह 1988 में शामिल हुआ था। और उत्तराखंड का ही एक आपका फूलों की घाटी है, तो दोस्तों ये आपका 2005 में शामिल किया गया था। तो आप लोग उत्तराखंड से दो याद रखिएगा, एक आपका नंदा देवी जो कि 1988 में है, और फूलों की घाटी जो कि आपका 2005 से है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 1989 की। तो 1989 में जो आपका शामिल हुआ, एक ही शामिल हुआ है, वह आपका सांची का स्तूप है जो कि आपका मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है, मध्य प्रदेश में। इसको कब शामिल किया गया था, तो 15 अक्टूबर 1989 को सांची का स्तूप यूनेस्को धरोहर में शामिल किया गया था। नेक्स्ट आपका है 1993 है, 1993 में दो साइट को शामिल किया गया है, एक आपका हुमायूं का मकबरा है जो कि दिल्ली में ही है, और दूसरा आपका कुतुब मीनार है, वह आपका जो दोनों है वह दोनों ही दिल्ली से संबंधित है। तो 1993 में दो साइट शामिल हुए हैं, एक आपका हुमायूं का मकबरा, दूसरा आपका कुतुब मीनार, ठीक है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट ईयर आता है वह आपका है 1999। दोस्तों उसके बाद 1999 में जो शामिल हुआ है वह आपका दार्जिलिंग हिमालय रेलवे है, ठीक है, दार्जिलिंग हिमालय रेलवे जो शामिल हुआ है यह आपका पश्चिम बंगाल से संबंधित है। तो 1999 में मात्र एक ही शामिल हुआ था। इसके बाद जो आपका 2002 है, तो 2002 में भी एक ही शामिल हुआ है, वह आपका बोध गया जो आपका है बिहार वाला क्षेत्र है बोध गया, तो बोध गया को 2002 में शामिल किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो है 2003, तो 2003 में एक ही साइट शामिल हुई है, और वह कौन सी थी, तो वो आपकी भीमबेटका साइट थी जो कि आपका मध्य प्रदेश से संबंधित है। भीमबेटका की जो गुफाएं हैं उनको विश्व विरासत धरोहर में शामिल किया गया था 2003 में। नेक्स्ट आपका जो ईयर है वह आपका 2004 है, तो 2004 में दो साइट को शामिल किया गया है, एक आपका है चंपानेर पावागढ़ जो पुरातत्व पार्क है गुजरात वाले क्षेत्र में, ठीक है, चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व पार्क ये आपको 2004 में शामिल हुआ है। और 2004 में ही एक और साइट शामिल की गई थी जो आपका है CSMTN की छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस है जो आपका मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है, जिसको भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 2004 में शामिल किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट आपका है 2007 है, तो 2007 में एक ही साइट को शामिल किया गया है, वह आपका लाल किला जो कि नई दिल्ली में स्थित है, ठीक है, नई दिल्ली में स्थित है लाल किला, इसको 2007 में शामिल किया गया था। नेक्स्ट आपका है जंतर मंतर, दोस्तों 2010 की बात कर रहे हैं, 2010 में एक ही साइट को शामिल किया गया है, वह आपका जंतर मंतर है, और ये आपका कहाँ संबंधित है, तो आपका है राजस्थान से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो वर्ष है वह आपका 2012 है, तो 2012 में भी एक ही साइट को शामिल किया गया है, और वह आपकी है पश्चिमी घाट। दोस्तों जो पश्चिमी घाट वाला जो आपका क्षेत्र है वह आपका महाराष्ट्र से लेकर के केरल तक फैला हुआ जो आपका एक पहाड़ी है, ठीक है ना, तो वह आपके जो पश्चिमी घाट कहलाता है, इसको 2012 में शामिल किया गया यूनेस्को धरोहर के अंतर्गत, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका वर्ष आता है 2013 आता है, तो 2013 में सिर्फ जो आपका है राजस्थान के जो किले हैं इनको शामिल किया गया है, राजस्थान के किले। दोस्तों जो राजस्थान के किले हैं उनमें मुख्यतः 6 किलो को शामिल किया गया यूनेस्को के धरोहर के अंतर्गत, एक आपका है चित्तौड़गढ़ का किला, दूसरा आपका है कुंभलगढ़ का किला, तीसरा आपका जैसलमेर का किला, चौथा आपका है रणथंभौर का किला, और पांचवा आपका है गागरोन का किला, और जो आपका छठवां है वह आपका अमेर का किला है, ठीक है। तो याद रखिए 6 किले हैं जिनको 2013 में यूनेस्को साइट में शामिल किया गया है राजस्थान किले के रूप में, जो कि कहाँ, राजस्थान में है। नेक्स्ट आपका जो वर्ष है वह आपका 2014 है, 2014 में जो है सिर्फ मात्र दो साइट को शामिल किया गया है, एक आपका ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, जो आपका ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है वह आपका हिमाचल प्रदेश में है, जिसको 2014 में यूनेस्को में शामिल किया गया था। इसके साथ ही 2014 में एक और शामिल हुआ है, एक आपका जो है रानी की वाव है, जो आपका रानी की वाव है गुजरात में है, और रानी की वाव का जो चित्र है आपका 100 रुपए की नोट के पीछे प्रदर्शित किया गया है, कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, तो याद रखिएगा, ठीक है।
नेक्स्ट आपका जो ईयर है वह आपका 2016 है। 2016 में जो आपके साइट शामिल किए गए हैं वह तीन शामिल किए गए हैं। एक आपका नालंदा विश्वविद्यालय है जो कि आपका बिहार में है, ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में 2016 में साइट शामिल हुई है। उसके साथ ही जो आपका कंचनजंगा नेशनल पार्क है तो ये आपका सिक्किम वाले क्षेत्र में है। नेक्स्ट आपका जो है कैपिटल कॉम्प्लेक्स है ये आपका चंडीगढ़ में है। तो 2016 में तीन साइट कौन कौन सी हमने देख ली, एक आपका नालंदा विश्वविद्यालय है, दूसरा आपका कंचनजंगा हो गया और तीसरा आपका कैपिटल कॉम्प्लेक्स हो गया, ठीक है। जो आपका नालंदा है बिहार में है, कंचनजंगा सिक्किम में है और कैपिटल कॉम्प्लेक्स आपका चंडीगढ़ में है। नेक्स्ट जो आपका ईयर आता है वह आपका 2017 आता है। 2017 में जो आपका अहमदाबाद शहर है उसको शामिल किया गया था, जो आपका अहमदाबाद शहर गुजरात का है और ये एकमात्र पहला शहर था जिसको यूनेस्को के अंतर्गत शामिल किया गया था। भारत का जो पहला शहर यूनेस्को में शामिल हुआ है वह आपका अहमदाबाद शहर ही है। और कब शामिल किया गया था, तो 2017 में शामिल किया गया था, 8 जुलाई 2017 को इसको शामिल किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो है 2018 है, तो 2018 में भी एक साइट को शामिल किया गया है जो कि आपका विक्टोरियन एंड आर्ट डेको एंसेंबल जो आपका मुंबई में स्थित है, ठीक है, मुंबई में स्थित है विक्टोरियन और आर्ट डेको, ये आपका 2018 में शामिल हुआ है। दोस्तों नेक्स्ट ईयर जो आपका आता है 2019 में जो आपका शामिल हुआ है आपका जयपुर शामिल हुआ है। जो आपका जयपुर शहर है आपका दूसरा शहर शामिल होने वाला है जो आपकी शहर कहलाया है। पहला आपका जो था अहमदाबाद था जो कि आपका गुजरात में था और जो आपका जयपुर है वह आपका राजस्थान में है, इसको 2019 में शामिल किया गया है, ठीक है। तो दोस्तों हमने देखा कि किस ईयर में किस जो आपका धरोहर साइट इसको शामिल किया गया है। अब हम बात करेंगे कि राज्य के अकॉर्डिंग किस राज्य की कितनी साइट को शामिल किया गया है, ठीक है। ईयरली तो आपने देख ही लिया है। सबसे पहले बात करते हैं जो आपके 7 नेचुरल हैं, ठीक है दोस्तों, जो 30 सांस्कृतिक धरोहर उनको याद करना मुश्किल है, लेकिन अगर हम 7 सांस्कृतिक जो आपके प्राकृतिक धरोहर उनको याद कर लें तो हमको जो अन्य होंगी जो बाकी की बची होंगी वो आपकी सांस्कृतिक धरोहर ही होंगी, क्योंकि एग्जाम में आपसे सीधा पूछा जा सकता है, 4 ऑप्शन दे सकता है, उनमें से पूछेगा कि कौन सा जो प्राकृतिक धरोहर है जो आपका यूनेस्को में शामिल है। तो हमको यदि 7 जो धरोहर उनमें से यदि ऑप्शन होगा तो हम वहाँ पे करेक्ट ऑप्शन लगा पाएंगे। जो आपकी 7 धरोहर है जो प्राकृतिक धरोहर है उनके देख लेते हैं। सबसे पहला आपका ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है जो आपका हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट आपका जो है नंदा देवी और फूलों की घाटी है जो कि आपका उत्तराखंड में है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है केवला देव है, केवला देव जो आपका नेशनल पार्क है आपका राजस्थान में है, 3 हो गए। इसके बाद जो नेक्स्ट आपका है पश्चिमी घाट है, जो आपका पश्चिमी घाट है ये आपका है शामिल होने वाले प्राकृतिक घाट है, 4 है। इसके बाद जो पांचवा आपका है, पांचवा आपका सुंदरवन नेशनल पार्क है, सुंदरवन नेशनल पार्क जो आपका है ये आपका है पश्चिम बंगाल में है, ये भी एक प्राकृतिक धरोहर है। इसके बाद जो आपके 2 अन्य शामिल हुए हैं वह आपके काजीरंगा नेशनल पार्क और आपका मानस नेशनल पार्क है। तो ये हमारे 7 जो है प्राकृतिक धरोहर है। इसके बाद जो अन्य है वह आपके सांस्कृतिक धरोहर है और इनमें जो आपका एक मिक्स धरोहर है वह आपका मात्र कंचनजंगा जो है, कंचनजंगा नेशनल पार्क जो है वह आपका एक मिक्स धरोहर है जो कि शामिल हुआ है, तो आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो दोस्तों हमने पढ़ा, जो हमने ईयरली देख लिया थी किस सन में किस धरोहर को शामिल किया गया है, उसके बाद हमने जो 7 प्राकृतिक धरोहर है उनको देख लिया और एक हमने मिक्स धरोहर देख लिया। अब हम देखते हैं कि जो राज्य में किस राज्य से कितनी धरोहर जो साइट है उनको शामिल किया गया है। सबसे पहले हम ऊपर से देखते हैं, सबसे पहला जो आपका हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर का कोई भी स्थान शामिल नहीं है, हिमाचल प्रदेश का सिर्फ एक ही शामिल है वह आपका ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क है, इसको 2014 में शामिल किया गया था। उसके बाद जो आपका नीचे आते हैं तो आपका जो आपका है राइट हैंड साइड पे कैपिटल कॉम्प्लेक्स आता है जो कि है चंडीगढ़ में, इसको शामिल किया गया था 2016 में, ठीक है। तो चंडीगढ़ में एक ही है कैपिटल कॉम्प्लेक्स है, इसको 2016 में शामिल किया गया था। इसके बाद यदि हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में सिर्फ 2 शामिल हुए हैं, एक आपका नंदा देवी है जिसको 1988 में शामिल किया गया था और दूसरा आपका फूलों की घाटी है, इसको 2005 में शामिल किया गया था। तो उत्तराखंड से 2 याद रखिएगा, नंदा देवी और फूलों की घाटी। नेक्स्ट यदि हम नीचे आके बात करें तो आपका आता दिल्ली, तो दिल्ली से 3 स्थान शामिल किए गए हैं, एक आपका है हुमायूं का मकबरा जो कि 1993 में शामिल हुआ था, उसके बाद जो आपका कुतुब मीनार है जो कि 1993 में, उसके बाद जो नेक्स्ट है लाल किला, तो दोस्तों जो लाल किला है वह 2007 में शामिल किया गया था। तो दिल्ली से 3 है, एक आपका हुमायूं का मकबरा है, कुतुब मीनार है और आपका लाल किला है। दोस्तों इसके नीचे यदि हम बात करें तो आपका उत्तर प्रदेश आता है, उत्तर प्रदेश के भी 3 ही साइट को शामिल किया गया है, एक आपका आगरा का किला है
1983 में शामिल हुआ था। उसके बाद ताजमहल है, ये भी 1983 में शामिल हुआ है। उसके बाद जो आपका फतेहपुर सीकरी है, ये आपका 1986 में शामिल किया गया था। तो आगरा के सॉरी उत्तर प्रदेश के हमने तीन देख लिए, ठीक है। उसके बाद जो आपका राइट हैंड साइड पर हम देखेंगे तो आपका केवला जो आपका राजस्थान है, राजस्थान के हमने चार साइड को देखा था जिनको शामिल किया गया है। एक आपका केवला देव नेशनल पार्क है जो कि 1985 में शामिल हुआ, सॉरी ठीक है माफ करिएगा, जो केवला देव नेशनल पार्क है 1985 में शामिल किया गया है। उसके बाद जो आपका जंतर मंतर है, ये आपका 2010 में शामिल हुआ है। उसके बाद जो आपके राजस्थान के किले हैं, इनको 2013 में शामिल किया गया है। और आपका जयपुर शहर, इसको 2019 में शामिल किया गया है। तो राजस्थान से हमने चार देख लिए, एक आपका है केवला देव नेशनल पार्क, जंतर मंतर, राजस्थान के किले और आपका जयपुर शहर। जयपुर शहर जो है सबसे अंतिम जो स्थान है वो सबसे शामिल होने वाला वह जयपुर है, ठीक है। इसके बाद यदि हम गुजरात की बात करें तो गुजरात में भी तीन स्थान शामिल किए गए हैं। एक आपका अहमदाबाद शहर है, दूसरा आपका चंपानेर पावागढ़ है, तीसरा आपका रानी की वाव है, ठीक है। तो तीनों जो आपके शामिल हुए हैं वह आपके गुजरात के शामिल हुए हैं। इसके बाद यदि हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो दोस्तों जो मध्य प्रदेश के तीन स्थान शामिल हुए हैं, एक आपका खजुराहो के मंदिर हैं, दूसरा आपका सांची के स्तूप हैं और तीसरा आपका भीमबेटका की गुफाएं हैं। तो इनको याद रखिएगा, ठीक है। सांची के स्तूप, खजुराहो के मंदिर और आपका भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश के शामिल हैं। यदि हम इसके बाद बिहार की बात करें तो बिहार से दो स्थान शामिल किए गए हैं, एक आपका बोधगया है, दूसरा आपका नालंदा विश्वविद्यालय है। तो दोनों याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट यदि हम बात करें पश्चिम बंगाल की, दोस्तों जो पश्चिम बंगाल के शामिल हुए हैं वह आपके दो हैं, एक आपका दार्जिलिंग हिमालय जो रेलवे है और दूसरा आपका है सुंदरबन नेशनल पार्क है। ये दोनों ही आपके हैं पश्चिम बंगाल से संबंधित हैं। उसके बाद नीचे बात करें तो आपका जो आपका उड़ीसा है, उड़ीसा का मात्र एक स्थान शामिल है, वह आपका कोणार्क सूर्य मंदिर है, ठीक है। तो जो कोणार्क सूर्य मंदिर को शामिल किया गया है। उसके बाद दोस्तों ये महाराष्ट्र वाले क्षेत्र की बात करें तो महाराष्ट्र के चार स्थान शामिल हैं, सॉरी पांच स्थान को शामिल किया गया है, सबसे ज्यादा ही के हैं। जो आपके हैं अजंता की गुफाएं हैं, एलोरा की गुफाएं हैं, एलिफेंटा की गुफाएं हैं, तीनों को ही यूनेस्को में शामिल किया गया है। इसके बाद जो आपका है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस है, इसको शामिल किया गया था। और विक्टोरियल और आर्ट डेको है, ये आपका सबसे अंतिम शामिल हुआ है सॉरी महाराष्ट्र का, ठीक है। तो महाराष्ट्र हमने पांच देख लिया, अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, एलिफेंटा की गुफाएं और आपका छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस जो आपका है इसको, और लास्ट जो हमारा शामिल हुआ है विक्टोरियन और आर्ट डेको। तो ये हमारे पांच हमने देखे महाराष्ट्र से संबंधित। नेक्स्ट जो हमारा गोवा है, तो गोवा से मात्र एक ही शामिल हुआ है, वह आपका गोवा के चर्च हैं जो कि 1986 में शामिल हुए थे, ठीक है। जो आपका पश्चिमी घाट तो हमने देख लिया, पश्चिमी घाट 2012 में शामिल हुआ था। दोस्तों नेक्स्ट जो आपका कर्नाटक वाला क्षेत्र है, कर्नाटक से दो शामिल हुए हैं, एक आपका हम्पी शामिल हुआ है और दूसरा आपका है पद्दल के स्मारक समूह शामिल किए गए हैं। तो आपके दोनों ही कहाँ संबंधित हैं, ये आपके कर्नाटक वाले क्षेत्र से संबंधित हैं। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट है तमिलनाडु, दोस्तों तमिलनाडु से दो शामिल किए गए हैं, एक आपका महाबलीपुरम के जो स्मारक समूह है इनको शामिल किया गया 1984 में, और जो आपका चोल मंदिर है तो चोल मंदिर को शामिल किया गया है 1987 में। तो दोस्तों इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है पूर्वी वाला क्षेत्र है, पूर्वी क्षेत्र से मात्र दो ही राज्य हैं, एक आपका सिक्किम है, सिक्किम में जो आपका शामिल हुआ है आपका जो है कंचनजंगा है, ठीक है। कंचनजंगा को शामिल किया गया था आपका 2016 में कंचनजंगा नेशनल पार्क को। इसके बाद जो आपका असम वाला क्षेत्र है, तो असम वाले क्षेत्र से मात्र दो शामिल हुए हैं, एक आपका काजीरंगा नेशनल पार्क है और दूसरा आपका मानस नेशनल पार्क है। दोस्तों ये आपके जो थे पूरे हमने राज्य से देख लिया कि किस किस राज्य से किस किस धरोहर को शामिल किया गया है, ठीक है। और हमने ईयरली वाइज भी देख लिया है और जो आपके मिक्स नेचुरल है इनको भी देख लिया है। तो दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा, पूरा जो जितने स्थान है आपको क्लियर हो गए होंगे किस में किस सन में किसको शामिल किया गया था। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स में भी जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।